जी सबसे पहले पावर ऑन करेंगे हम लोग, ठीक है सर। ये हमारी जो फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, ठीक है सर, इसका आपका मॉडल नंबर है फजी मैजिक 6.5 kg WF-T7519QN, ठीक है जी, जो कि हमारी वॉशिंग मशीन का मॉडल नंबर है, राइट सर। उसके बाद हमारे इसके अंदर जो फंक्शन आते हैं वो आएंगे यहाँ से सर। हम जैसे इसकी पावर ऑन करेंगे हमारा फजी फंक्शन ऑन होगा, इसमें कि हमारा कोल्ड इंडिकेटर वाटर का, ठीक है सर, ये आपको डिलेस्ट वेट का सिंबल दिखाएगी, वॉशिंग रिंसिंग एंड स्पिनिंग, ये आपको तीनों इंडिकेशन ऑन होंगे, और फजी भी इंडिकेशन हमारा रेड होगा, राइट सर। उसके बाद हमने कोई भी वर्किंग करनी है, सिंपली फुल्ली चलानी है, तो सिर्फ स्टार्ट दबाएंगे। जैसे ही हम स्टार्ट दबाएंगे वॉशिंग मशीन हमारा सबसे पहले वाटर लेवल सेंस करेगी। वाटर लेवल सेंस करने के बाद इसमें टाइमिंग आ जाएगा डिस्प्ले में, ये डिस्प्ले में टाइमिंग आ गया सर हमारा लेवल के हिसाब से, जो वाटर लेवल हमने सिलेक्ट किया था उसके अकॉर्डिंग आपका टाइमिंग आ गया। 43 मिनट्स के अंदर आपको कपड़े ड्राई मिलेंगे, राइट सर। एंड फजी फंक्शन हमारा चल रहा है कम्प्लीटली फुली ऑटोमेटिक, ठीक है जी। एक्स्ट्रा जो हमारे फंक्शन है वो प्रोग्रामिंग से हैं आपके, उसके अंदर आपको जेंटल वूल गर्म कपड़े वॉश करने के लिए, क्विक वॉश वो कपड़े जो हल्के से गंदे हैं उनको पानी में से निकालने के लिए 90 मिनट की वॉशिंग चलेगी, एंड दिस स्ट्रॉन्ग जीन्स भारी जीन्स वॉश करने के लिए, ठीक है जी। एक्स्ट्रा रिंस रिंसिंग इसमें भी करती है, बट इसके अंदर एक्स्ट्रा रिंस हो जाएगा तो 3 बार रिंस करेगी हमारी वॉशिंग मशीन, ठीक है सर। साइलेंट वॉशिंग मशीन बीप नहीं देती है ऑफ होने के बाद। फेवरेट, हम चाहते हैं हमारे अकॉर्डिंग वाटर टेम्परेचर सब कुछ सिलेक्ट रहे तो वो हो जाएगा, वो वॉशिंग में फेवरेट पे उस हिसाब से चलेगा, ठीक है जी। एंड फजी, फजी हमारा कम्प्लीटली फुली ऑटोमेटिक वर्किंग है जी, ठीक जी। एंड दिस डिले स्टार्ट टाइमिंग 48 आवर्स तक का डिले स्टार्ट टाइमर है हमारे पास, जितनी देर हमने लगाया उसके आवर्स के बाद वो वॉशिंग मशीन वर्किंग करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है जी। उसके बाद हमारा जो है इनलेट टेम्परेचर का कोल्ड वार्म हॉट, कोल्ड का हमारा फिक्स रहेगा, वार्म में दोनों वॉल ऑन रहेंगे, हॉट में सिर्फ हॉट चलेगा, ठीक है जी। एयर ड्राई के अंदर हमारा आधा घंटा, ये फंक्शन सबसे अलग चलेगा जी, आधा घंटा, एक घंटा, पौने दो घंटे कपड़ा सिर्फ हवा में घूमता रहेगा, एयर ड्राई होगा जी आपको, ठीक है सर। सारी वर्किंग करने के बाद दिस लेन फिल्टर मैजिक फिल्टर, इसको हमें निकाल के ओपन करके और क्लीन करना है जी, राइट सर, ठीक है जी। एंड दिस इनलेट फिल्टर, दिस इनलेट फिल्टर जिसको हमने एवरी 15 डेज के अंदर क्लीन करना है जी, ठीक है जी। ये हॉट एंड कोल्ड दोनों में लगा होता है जी, ठीक जी। थर्ड हमारा व्हील बैलेंसिंग का होता है जी, जो हम लोग बैलेंस बना देते हैं जी इससे, ठीक है जी, जिससे मशीन हमारी हिल नहीं चाहिए प्रॉपरली, प्रॉपर वर्किंग में रहनी चाहिए। इसको खोलो आप, ठीक है जी। मान लो आपको लग रहा है मशीन में पानी का, इसको खोला रही, इसके अंदर फिल्टर दिया होता है, आप इसको साफ करेंगे जैसे कि ये आया हुआ है, ठीक है जी। तो अब हम इसको साफ कर लेंगे पानी के लिए, ठीक, फिर पानी खोल देंगे जब आपको ज़रूरत है मशीन यूज़ करेंगे, ठीक है। पानी कम आए तब ये दिक्कत है। पावर ऑन करेंगे, यहाँ से पाइप हमेशा नीचे रखेंगे, ड्रेन वाली पाइप आप हमेशा नीचे रखेंगे, ठीक है जी। पावर ऑन करेंगे, आप इसमें कपड़े डालेंगे, जो डिटर्जेंट है आप यहाँ डालेंगे, ठीक है जी। डिटर्जेंट इसमें डाल देंगे, आप प्रोग्राम कोई चेंज करना चाहते हो, फजी में मिक्स कपड़े आते हैं ऊनी कपड़ों के लिए, क्विक वॉश के लिए, स्ट्रॉन्ग जींस के लिए, एक्स्ट्रा रिंस, मान लो आपको एक्स्ट्रा रिंस चाहिए साइलेंट मोड के लिए, फेवरेट बनाना हो आपने कोई प्रोग्राम, आप अपने तरीके से, मान लो वॉश इतने मिनट करना है, रिंस 2 बार करना है, स्पिन इतनी बार करना है, वो फेवरेट बन जाएगा। तब क्लीन में आपने क्या करना है, 4 महीने में एक बार इसके अंदर 6 चम्मच वाइट सिरका डाल देना है। वाइट सिरका डालने के बाद स्टार्ट कर देना, ताकि ये 2 घंटे का प्रोग्राम है आपका, जो भी गंदगी वगैरह होगी वो क्लीन करके बंद हो जाएगी आपकी मशीन, ठीक है। जैसे कि आप चाहते हो फजी में कपड़े धोने हैं मैंने, आप इसमें डाला सर्फ, इसमें डालो कपड़े डालो और स्टार्ट का बटन दबा दो, तो ऑटोमेटिक सेंस करेगी आपकी मशीन कि मुझे पानी का लेवल कितना चाहिए, तो पानी का लेवल वो कंट्रोल कर लेगी, फिर उसके बाद वो पानी लेना स्टार्ट कर देगी। तो वो टाइमिंग अलग अलग आएगा कपड़ों के अकॉर्डिंग,
मान लो कि जैसे आप 6 लेवल दिखा रही है, मान लो 7 लेवल पे ये मिनट आ जाएगी, 8 लेवल पे ये आ जाएगा, 9 पे ये आ जाएगा, 10 लेवल पे ये, एक लेवल पे आपका 39 मिनट आएगा। जो पानी का टेम्परेचर है हमने कोल्ड पर ही रखना है। अगर मिक्स पानी लगाया हुआ तो दोनों टैप लगाए तो गर्म, हॉट लगाइए हॉट, तो हमारा कोल्ड पर रहेगा। ये पानी के लेवल के लिए। वाश का टाइमिंग अगर आप चेंज करना चाहते हो चेंज भी कर सकते हो आप अपने मुताबिक। स्पिन रिंस का मतलब, रिंस का मतलब खंगालना, कितनी बार, 1, 2, 3, 4, 5 बार तक का खंगालना दिया हुआ है इसके अंदर। स्पिन का मतलब सुखाना, कितनी देर सुखाना, 7 मिनट कम या जो भी आपने करना है, ठीक है। सारा प्रोग्राम देने के बाद आप स्टार्ट कर देंगे। तो एक नंबर के लेवल पे हम 50 मिनट तक का भी टाइम ले सकते हैं, 39 मिनट आता। फिर आता ही आपका टाइम डिले। टाइम डिले क्या होता है कि आप जो भी प्रोग्राम आप चाहते हो कि मेरा 3 घंटे के बाद मशीन काम क्लियर करके छोड़े, तो 3 घंटे बाद अगर आप ये पावर ऑन करो कर दोगे तो 3 घंटे बाद का टाइम ले सकते हो। डिले टाइम लगाया ना आपने, ये डिले टाइम लगाया 3 घंटे 4, 5, 6, 7 जितना भी आगे, मतलब 8 घंटे में आप चाहते हो कि मेरी मशीन कम्प्लीट काम करके हटे, तो आप 8 घंटे का डिले टाइम लगा कर यहाँ पे वॉशिंग प्रोग्राम कौन सा लगाना वो लगा कर आप स्टार्ट कर देंगे। तो उतनी देर के बाद, 8 घंटे के बाद ये आपकी मशीन आपका काम कंप्लीट करके बंद हो जाएगी। शर्त ये है कि आपकी पावर फेल नहीं होनी चाहिए। अगर पावर फेल हो जाएगी तो उसमें जो टाइमिंग है वो सही कैलकुलेट नहीं हो पाएगा। तो उसके बाद ये अब आपकी मशीन 8 घंटे बाद स्टार्ट होगी। इसके अलावा कुछ पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। उसके बाद जब सारी धुलाई हो जाए तो ये लिंट फिल्टर भी होगा, इसको आप बाहर करेंगे और आप इसको बाहर करके पानी के नीचे ब्रश से साफ़ कर लेंगे ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत वगैरह ना हो। शॉफनर डालना है, शॉफनर डिस्पेंसर आपका ये है। ब्लीच लगाना है तो उसके लिए ये वाला है, ये ब्लीच डिस्पेंसर है, ये शॉफनर डिस्पेंसर आपका। नील वगैरह नहीं डालना आप इसे। और कुछ सर, इसको यहाँ से निकालना होता है, इसको अपनी तरफ खींच कर जैसे घुमाओगे ये बाहर आ जाएगी, ठीक है सर। और नई पाइप है ऐसे ही डालनी है सर हमें, जैसे इसको निकाला था। तो कोई भी लग जाती है क्या इसमें, या इसका स्पेशल लगती है? नहीं नहीं सर, लग जाती है, वैसे भी बाहर से लेके आते हैं। ठीक है सर, ये देखो जी ये ऐसे ही निकलेगी जी, थोड़ा दबाव तो देना पड़ेगा आपको, वैसे ही जैसे निकाली थी वैसे ही घुमा कर ऐसे ऐसे चढ़ेगी जी। खुद काम सकते हो।